बढ़ते हैं एक और वॉइस मैसेज, एक कार्ड आसी है एक कार्ड नहीं अस्सलाम दी। वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या डॉक्टर हाल साहब चाल है बिल्कुल आपका? ठीक तबीयत से हूँ ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। डॉक्टर आमीन। साहब, मैं अब्दुल मतीन बात कर रहा हूँ, ज़िला उकाड़ा से। वो कड़ा लिखा डॉक्टर हुआ साहब, मेरे छोटे बच्चे हैं बकरी के, तकरीबन 3 3 माह के, 4 माह के। उन सब के ना बड़े गले ख़राब हैं, गलों में खड़ खड़ की आवाज़ आती है और वो ओहो शदीद खांसी करते हैं। बरए मेहरबानी डॉक्टर साहब, इसका कोई मशरा दे दें, देसी या अंग्रेज़ी कोई भी जो है ना वो, इसका हल। अस्सलाम वालेकुम। इनको सैफर के टीके लगाएं, बिस्मिल्लाह करके सैफर के टीके लगाएं और वो बॉडी वेट के हिसाब से देख लें। बड़े बकरे बकरी को 5 सीसी का लगता है और अगर छोटे हैं तो एक एक सीसी लगेगा या दो दो, एक एक दो दो सीसी लगा के सैफर के टीके लगाएं जी, 3 से 5 दिन तक लगाएं। साथ इनको शरबत तूत स्या मलट्ठी वाला, वो एक एक चम्मच सुबह दोपहर शाम ये दें। बल्कि मैं देख रहा हूं इधर मुझे खांसी हुई है तो मैं भी ये शरबत तूत स्या मलट्ठी वाला ही इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, ये ले लें बिस्मिल्लाह करके ये इंसानों के लिए और इनके खटखट ये ठीक हो जाएगा। मेरा अगर देखते हैं एक दिन पहले कितना ज्यादा था खांसी और सारा कुछ, ये सलूट करूंगा इस शरबत तूत स्या मलट्ठी वाले को। आप बिस्मिल्लाह, ये इनको बकरियों के बच्चों को क्या, बड़ों को भी दें इंसानों को भी दें, खांसी हो तो फिर फर्स्ट क्लास बेहतरीन। ठीक है, दुआओं में याद रखें। ओहो, इनको तो इसके अंदर बताया नहीं है, एक सेकेंड अस्सलाम वालेकुम। के बात बताए। इनको शरबत हाँ दूध स्या मलट्ठी वाला, चल वो एक एक चम्मच सुबह दोपहर शाम ये दें। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। और जब आप वीडियो देखेंगे इसमें मैंने, अब मुझे थोड़ी सी खांसी हो रही है, मैं भी ये यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह।